ज्ञान का भंडार। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। कितनी बार ये बातें बचपन से यार सुनते आ रहोगे, मतलब दिमाग का भेजा एकदम फ्राई कर दिया है, जो भेजा फ्राई होता है। लेकिन अब देखो आज जो मस्ती की पाठशाला शुरू होने वाली है, अब ये दोनों मेरे को परेशान कर रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं इनसे भी करने वाली हूँ नेशनल साइंस डे के मौके पर। देखो जरा दांत देखो इन लोगों के, चलो चलो चलो, क्योंकि मैं इन्हें क्वेश्चन तो भाई बताने वाली हूँ नहीं, क्योंकि आज नेशनल साइंस डे के मौके पर कुछ इन्वेंशन के बारे में जानेंगे और ये जो ज्ञानी के भंडार समझते हैं ये कितना जानते हैं इन्वेंशन के बारे में। चलो चलो लेट्स गो। चलो सार्थक भैया से पूछते हैं कि उनको ये चीटिंग नहीं चलेगी फोन में, मतलब झांक के। चल साइंस के बारे में पता है कि नहीं? आज आज नेशनल साइंस डे तो ये सारा चुटिया उसके लिए हो रहा है। तो मैं करूं क्या, ये है तो है मेरे पर, बस तेरा नॉलेज टेस्ट हो रहा है यार, तू ज्ञान का भंडार बन रहा है। मैं 12th पास कर चुका हूं, मेरी नॉलेज टेस्ट नहीं 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 होगी 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 भाई, सबकी होगी। कंपलसरी है क्या? यस तुम साइंस से मिलो। अच्छा पहले ये बताओ प्रेजेंट के लिए करना है क्या? हां हां बिल्कुल सही समझे, कर लेते अच्छा। चलो पहला क्वेश्चन ये है कि टीवी किसने इन्वेंट किया? ये रिएक्शन से मैं समझ जाऊं कि तुम्हें नहीं पता है टीवी किसने इन्वेंट किया है। नहीं पता यार। यार साथ तक रोज टेलीविजन देखते हो? नहीं मैं नेटफ्लिक्स देखता हूं। टीवी यार एक बंदा था, हाँ। मुझे बताया था किसी ने तो किया था, किसी ने तो किया था। एक्चुअली इसके पैदा होने से पहले वो मर गया था तो ये बात नहीं कर पाया उससे, नाम बता के नहीं गया उसको। नाम बता के नहीं गया ना, लेकिन बुक्स में तो पढ़ा होगा वो नाम। नहीं पहले ये बताएगा फिर मैं बताती हूँ। हाँ बुक्स में भी लिखा था वो नाम यार, ये भी देखा था मैंने, देखा था लेकिन याद नहीं है। जॉन लोनी बेयर। तुम थोड़ा आसपास हो लेकिन कॉन्सेप्ट किसी और का था वो, बस यार इतना ही पढ़ा है। चार्ल्स बेबिज। वाह ताली अपनी है इस बात पे कि चार्ल्स बेबिज ने टीवी इन्वेंट किया था। अच्छा तो कंप्यूटर किसने? उन्होंने किया था, दोनों मिला के कर दिया। ये तो पता है हमारे को, ये तो सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पता होगा। चार्ल्स बेल चार्ल्स बेल या पता नहीं कौन, मतलब सही दिया मैंने। शक्ल दिखा दो जरा कैमरे पे अपनी, चार्ल्स बेल ने किया। चार्ल्स बेबीज है क्या? बेल से बेल बेब जो भी है। कंप्यूटर इन्वेंशन का नहीं पता, मैं टाइप रोज मैं करता हूँ यार, ये तो सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को पता होगा। लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर तो ना भाई भाई हुए ना। हाँ भाई भाई वाला हिसाब हुआ, चाचा भतीजा। हाँ मौसी का लड़का भी हो सकता है वैसे। नहीं नो आइडिया, ये तो बताओ ना, बेइज्जती है ये, नहीं पता तो ये तो बहुत गलत है, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ये तो। कर दो बेइज्जती। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है यार। पिताजी कितने पिताजी हो गए, किस किस के नाम याद रखे? अपने वाले का याद है ना, रटा हुआ है, घर जाते याद करवा देते हैं। चार्ल्स बेबेज। हाँ ये तो मुझे ही पता है चार्ल्स बेबेज, ये इसलिए पता है क्योंकि उसने बोल दिया था फादर ऑफ द कंप्यूटर, इसलिए मुझे भी पता है। दिन भर फोन पे लगे रहते हैं ये दोनों, लगे रहते हैं वैसे फोन पे? नहीं हम आपस में बात कर लेते हैं, फोन की जरूरत नहीं होती इतनी। नहीं जरूरत तो होती है लेकिन लगे नहीं रहते। एक्चुअली बहुत सारी है ना, इसकी कंफ्यूज हो जाता है किस किस से बात करूं, फोन की बैटरी चली जाएगी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट खुल गया कि बहुत सारे लोग प्यार करूं और कैसे प्यार करूं, किसको प्यार करूं, ये भी है वो भी है, किस किस को प्यार करूं। तो ये किस किस वाला जो प्यार है जो फोनों पर चलता है, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया? टेलीफोन किसने इन्वेंट किया यार, ये भी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी अगर ये भी नहीं पता। टेलीफोन तो ग्राम बेल ने करा था, किसने करा था? आई थिंक शायद वही है। हाँ ये तो मालूम है यार मुझे, इसका इस्तेमाल कर रहा है तो चीज का पता है, फिर तो पता है। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया? अब्राहम बेल। अरे बिल्कुल सही, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि टेलीफोन अब्राहम बेल ने इन्वेंट किया है। ग्राम बेल ने करा है। ग्राम बेल ट्रिंग सही है ना, ये वो है ग्राम बेल, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। यो क्लैपिंग, मतलब ये पता है इन्हें। अच्छा तो जिस पे हम मतलब ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा कीमरा किसने इन्वेंट किया? कैमरा एक बार कैमरे वाले भैया बताना, उनको खुद को नहीं पता होगा। भैया जी तो डाउट पे खुद ही पड़ गए। वो कह रहे हैं कश्मीर जा रहे हो तो कश्मीर वाले भैया, कैमरा किसने इन्वेंट किया था? इधर आओ यार, कैमरा इन्वेंशन का नहीं पता लेकिन लेके प्रदीप रो जाता है। प्रदीप हमारे कैमरा मैन है इधर। हाँ मतलब इमरान भी फुरकान भी काफी लोग लेके आते हैं, तो मैं इन लोगों को क्रेडिट क्यों दूंगी, मैं बाकी को क्यों दूं क्रेडिट? लेकिन आया कैसे, इनके हाथ में पहुंचा कैसे ना इन्वेंशन, कैसे बना? इसमें ड्रॉर है, ये लोग लॉक वॉक लगा के उसमें से लेके आ जाते हैं, चाबी मतलब एकदम लगा के रखते हैं। मैं किसी और को क्रेडिट देना ही नहीं चाहूंगी, ये हमारे कैमरा मैन है और ये बहुत अच्छा काम। रिमोट किसने इन्वेंट किया था?
नहीं वो मेरी और भाई की लड़ाई होती है तो हम रिमोट फेंक देते हैं। फेंक देते हो? We don't use remote. जब लड़ाई होती तो सेल जरूर एक हो जाता है ये तो, और हमेशा जब भी सेल खत्म होता उसको टप टप करके चलाना पड़ता है। हम अच्छे वाले खरीदते हैं। जब रिमोट मिलता ही नहीं तो पता कैसे होगा ये यार? ये इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना, रिमोट नहीं मिलता तो कम से कम इन्वेंशन पता कर लें। टेस्ला समथिंग कुछ नहीं, तुम गलत तो बस ठीक है, जब रिमोट नहीं मिला तो इसका आंसर भी नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ मुझे भी नहीं पता। वैसे तुम सही थी, थोड़ा आसपास थी उसके। अब तुमने मेरा कॉन्फिडेंस लो कर दिया। वैसे वर्षा थोड़ा आसपास थी। रिमोट किसने इन्वेंट किया था? शॉपकीपर भैया ने, टीवी वाले। शॉपकीपर भैया बेचते हैं सिर्फ रिमोट, इन्वेंट नहीं करते। नहीं करते? नहीं। ओके मेरे को नहीं पता कौन है, तू क्यों दे रहा हूँ मैं जवाब तेरे को, जा यार। हेडफोन्स किसने इन्वेंट किया? हेडफोन्स किसने इन्वेंट किया? लेकिन मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किए थे यार, मुझे वो ये तो सारी चीजें मतलब तुम लोगों को गिफ्ट ही करते हैं सब। अब इन्वेंशन करके बनाने पड़े यार, या तो नौकरी कर लूं या तो इन्वेंशन करने। अरे सोच लो अप्रेजल का टाइम आ रहा है, फिर तो शिवेंद्र सर मुझे गिफ्ट कर देंगे। तो बता दो किसने इन्वेंट किया? नहीं यार मेरे से तो उसने छीन लिए थे, फिर मेरा हेडफोन से मन ही हट गया। गाने सुनते हो? गाने हेडफोन्स का तो यूज करते हो? लाउड स्पीकर पे गाने सुनते हो? तो ये बता दो स्पीकर के मेरे पापा ने किया था भैया। कुछ नहीं पता इन लोगों को, साइंस डे पे यार। क्या है इसके सुजन से यार, मतलब बचपन से कॉमर्स पढ़ते चले आ रहे हो, साइंस में बड़े कम नंबर आए थे। मैं गाने ही नहीं सुनती। पलट गया अपने क्वेश्चन से, गाने नहीं सुनती मतलब मैं घुमाती रहूं ऐसे? दोनों में से किसी को नहीं पता ये चीज? नहीं। अच्छा तो फिट बैंड के बारे में बड़ा सुना होगा ना? हाँ मैं नहीं पहनती। ऐसे फिट बैंड किसने इन्वेंट किया था? मेरे को क्या पता? नहीं पता, दूर दूर तक नहीं पता, सोचो थोड़ा आस पास हो गया कहीं। फिट बैंड? हाँ मेरे को नहीं पता। यार मेरे को ना बर्थडे गिफ्ट मिला था तो फिर मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन ली नहीं। फिट बैंड किसने इन्वेंट किया था? या कुछ पाक टाइप है उसका नाम आई थिंक। ये सब का टाइप ही है, वर्षा टाइप पे आगे रुक जा रही है। हाँ यार उसका पाक टाइप कुछ था, लास्ट में मैंने जब ऑर्डर किया था तो मैंने थोड़ा सर्च किया था तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। ये भी फिट बैंड ही यूज़ करती थी ना, तो फिट बैंड के बारे में पता ही नहीं होगा कि किसने इन्वेंट किया था। ये हल्का तेरा इन्वेंशन शो से ज़्यादा ये ना कॉमेडी शो बन गया। हाँ यार ये तो है, इसकी शक्ल देख लो कैसी सड़ गई है। अबे कोई इंटरेस्टेड नहीं है भाई, कोई नहीं जानना चाहता, क्यों कर रही है? साइंस डे का हिंदी बता पहले तू। कहता क्या है? विज्ञान दिवस। हाय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलो बेटा अब जाओ, यहाँ से दरवाजा खुलता है। पहले यूं और वो घंटी दबाना ना भूलें। घंटी वाला बटन हमारा ना भूलें।